ये जो गाड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जैसा कि देख सकते हैं इसका जो चेक लाइट है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, गाड़ी जब हम लोग 80 तक चलाते हैं तो गाड़ी ओके चलती है, बट जब 80 के ऊपर चले जाते हैं, 90, 100, 120 तक जाते, 80 क्रॉस करते तो गाड़ी पिकअप ड्रॉप करती, एकदम छोड़ देती है पिकअप जगह पे और दबने लगती है गाड़ी, उसके बाद चेक इंजन लाइट आ जाता है। तो ये स्कॉर्पियो के अंदर बहुत प्रॉब्लम आता है, इसका AGR वगैरह का टर्बो बूस्ट चार्जर का जो फॉल्ट आता है, P0299 कोड आता है इसके अंदर, स्कॉर्पियो के अंदर ये बहुत फॉल्ट आता है। इसको साफ ऑफ करने से भी सही हो जाता है, इसका जो EGR है, जो कूलर है, इसके अंदर कचरा वगैरह जब ज़्यादा जाम हो जाता है तो भी ये ट्रबल कोड आता है। तो हम लोगों ने स्कैन किया था और ट्रबल कोड इसके अंदर आ रहा था, अभी थोड़ा साबित किया हम लोगों ने, एक बार फॉल्ट क्लियर कर लिया था ऊपर से, देखते वो फॉल्ट आ रहा है कि नहीं, सॉकेट वगैरह हम लोगों ने सब चेक किया इसका, फिर देखते क्या है इसमें। तो इसको एक्सटर्न है गाड़ी, देख लेते। इसका सॉकेट वगैरह हम लोगों ने निकाला था, टेम्परेचर स्विच वगैरह का पूरा चेक किया, तो इसके अंदर जो DTC लगाए गए, हाँ, तो इसके हम लोग सॉकेट वगैरह निकाले थे, एक बार वापस से लगा के फोल्ड क्लियर करके देख लेते, टेम्परेचर स्विच वगैरह बहुत सारे सॉकेट निकाले थे हम लोगों ने। पहले वाला फोन तो कूड़ा होता है क्यों, ठीक हो, सिग्नल नहीं पहले भी देख, ठीक है, इसको एक बार क्लियर करते, क्योंकि इसके अंदर जो कोड आ रहा था पहले तो हम लोग ने क्लियर कर लिया था, वापस से कोड नहीं आया, गाड़ी को जब 80-90 के ऊपर भगाते तभी वो कोड आता और चेक लाइट आती है, अभी नो DTC है, लेकिन जिससे पहले कोड आ रहा था मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, लग गया भाई, लिया था ना फोटो, अभी नो DTC शो कर रहा है, बट गाड़ी को जब चलाएंगे 80-90 के ऊपर तो फिर वापस इसके अंदर कोड आ जा रहा है, और ये कोड आ रहा है इसके अंदर, वो दिखाता हूँ मैं, बूस्ट प्रेशर का दिखाता है इसके अंदर, ठीक है। ये स्कॉर्पियो में बहुत ज़्यादा आता है, स्कॉर्पियो बलेरो वगैरह की जो गाड़ी है महिंद्रा की, महिंद्रा में ये बहुत आता है, तो उसके लिए हम लोग थे 500 का भी एक बार यही सेम फॉल्ट आ रहा था, तो इसका ये बूस्ट प्रेशर सेंसर है, इसको आपको पता है जो ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसका जो पूरा आइटम है, मतलब ये साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही साफ़ कर ले रहे हैं क्लीनर का, इसके अंदर जो भी आइटम टर्बो चार्जर बूस्ट प्रेशर का जो भी आइटम है, पाइपलाइन वगैरह सब जो लगा हुआ है वो तो पूरा क्लीन करना पड़ता है इसमें, तो ये फॉल्ट चले जाता है इसके अंदर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्लीन करने से चले जाए, बहुत बार ऐसा रहता है कि हम लोग क्लीन नहीं करते, सिर्फ सेंसर डाल देते तो ये फॉल्ट जाता नहीं है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा रहता है सेंसर का वायर टूटा हुआ रहता है, बट इसके अंदर सेंसर का वायर भी नहीं टूटा हुआ है और ना ही सेंसर ख़राब है, क्योंकि हम लोग ने दूसरा सेंसर भी डाल के चेक किया है। सेम यही फॉल्ट एक गाड़ी के अंदर आ रहा था, कौन सी थी वो, XUV500 थी, तो उसमें जो फॉल्ट आया यही, उसके अंदर जो पूरा कार्बन यानी इसका जो EGR है पूरा जाम हो गया था, तो हम लोगों ने इसका पूरा EGR खोल लिया, जैसा कि दिखाओ इसको पल्टी पल्टी मारो, देख सकते हो पूरा बहुत ज़्यादा इसके अंदर जाम हो गया, मतलब जैसा जितना रहना चाहिए उतना क्लियर नहीं है ये। तो इसका EGR कूलर और इसके जो पाइपलाइन है, इसके बाद इसका जो मुंबई वाला पंप की तरह दिखो ना, ये पंप भी खोल के साफ करना चाहिए, ये नहीं दूसरा वाला, ये तो पैक है, वो जो वाल है
देख सकते हो इसके अंदर पूरा भरा हुआ है कचरा। ये इसका जो वाल ये जो है इसको भी खोल के साफ करना चाहिए, कभी कभी ये जाम हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ये सब खोल के पेट्रोल वगैरह से जिससे भी धो के अच्छे से हवा हवा मार के लगाएंगे तो ये फॉल्ट चले जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सेंसर डालने के बाद फॉल्ट नहीं जाता है, वायरिंग भी सही रहता, सब सही रहता, बट इसका प्रॉब्लम रहता है, इसको हम लोगों को क्लीन करना पड़ता है। जैसा कि अभी हम लोग ने पूरा क्लीन कर लिया इसको, ठीक है, पूरा एलबी वगैरह एकदम साफ़ सुथरा करके लगाएंगे तो ये फॉल्ट चले जाता है, क्योंकि हम लोगों ने ये फॉल्ट फेस किया है बहुत सारी गाड़ियों में। अब इसको वीडियो बंद कर लेते, थोड़ा फिटिंग वुटिंग करते, जितना बाद में वापस से एक बार गाड़ी ट्रायल मार के देखते फॉल्ट गया कि नहीं। कौन सा चले जाएगा गाड़ी, लेकिन ये जो फॉल्ट है 80 के ऊपर ही आता है, 80 से नीचे गाड़ी से अगर आप चलाते हो तो ये फॉल्ट शो नहीं करता है, मतलब इसमें जो गाड़ी के अंदर फॉल्ट है चेक लाइट नहीं आती, लेकिन 80 क्रॉस करते हो तो ये फॉल्ट आ रहा है। सबसे पहले इसका सेंसर चेक करने का रहता है, वायर कटा पिटा है कि नहीं, वायर वगैरह अगर ओके है तो फिर सेंसर, लेकिन देखने का कि मतलब क्या लिख के आ रहा है, माल फंक्शन लिख के आ रहा है, शॉर्ट सर्किट लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने ये गाड़ी को सब ओके कर लिया, हम लोग ने ट्रायल भी मार के आज चलाए, गाड़ी ओके चल रही है, मतलब इसमें जो प्रॉब्लम था कार्बन वगैरह का था इसको हम लोगों ने जब क्लीन कर लिया तो गाड़ी ओके हो गई। ठीक है, बट इस केस में बहुत बार EGR भी खराब होता है, सेंसर भी खराब होता है, वायरिंग का